इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस आज आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक एक शब्दों का हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी मैं यहाँ पर ताकि आप इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग भी समझ पाए और कुछ कुछ ग्रामर के पार्ट्स भी आएंगे उनको भी मैं शॉर्ट में समझाऊंगी तो चलिए शुरुआत करते हैं मैंने यहाँ पर इजी और शॉर्ट स्टोरी ली है बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए उनको ध्यान में रखते हुए जो इंग्लिश अभी पढ़ने और लिखने की शुरुआत कर रहे हैं स्टोरी का नाम है द लायन एंड द माउस यहाँ पे ये द दे रखा है लाइन से पहले और माउस से पहले तो द एक आर्टिकल है जिसका प्रयोग निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है तो स्टोरी है द लायन एंड द माउस बहुत पुरानी है आपकी सुनी हुई है लायन मतलब होता है शेर शेर या सिंह और माउस का मतलब चूहा द लायन एंड द माउस अ लायन अ या फिर ए का क्या मतलब होता है एक लायन शेर वॉज मतलब था स्लीपिंग स्लीप का मतलब होता है सोना और लास्ट में लगा हुआ है आई एन जी वॉज स्लीपिंग तो बन गया कि सो रहा था था वॉज और स्लीपिंग मतलब सो रहा था इसमें कंटिन्यूटी दर्शाई जा रही है जो काम कंटिन्यू है इन अ फॉरेस्ट इन मतलब अंदर अ मतलब एक फॉरेस्ट मतलब जंगल फिर से रीड करते हैं लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट एक शेर जंगल में सो रहा था एक शेर जंगल में सो रहा था माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट अ मतलब एक माउस मतलब चूहा स्टार्टेड मतलब शुरू किया क्या है शुरू किया प्लेइंग मतलब खेलना ऑन इट ऑन मतलब ऑन मतलब ऊपर इट के ऊपर तो इट यहाँ पे कौन है लायन तो माउस ने क्या शुरू किया लायन के ऊपर खेलना शुरू किया एक चूहे ने लायन के ऊपर यानी शेर के ऊपर खेलना शुरू किया द लायन वॉज डिस्टर्ब्ड जो लाइन था वो क्या हो गया डिस्टर्ब्ड था वॉज मतलब द लाइन जिस लाइन की यहाँ पे बात हो रही है जिस शेर की डिस्टर्ब मतलब है परेशान डिस्टर्ब मतलब परेशान तो द लाइन वॉज डिस्टर्ब लाइन क्या हो गया परेशान हो गया था एंड और अरोज़ अरोज़ का मतलब होता है जागा अरोज़ का क्या मतलब होता है जागा या फिर कह सकते हैं नींद से जाग गया या फिर उठना तो अरोज़ जो है अराइज यानी अराइज जो है उठना उसकी सेकेंड फॉर्म है अरोज़ अराइज अरोज अराइजन ये तीनों फॉर्म है अराइज की तो ये अरोज़ यहाँ पर अराइज की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म भी पास्ट आएगी क्योंकि पास्ट स्टोरी है पास्ट स्टोरी है बीती गई जो बात बताई जाती, जाती है वो पास्ट में बताई जाती है फ्रॉम हिज स्लीप अराइज जागा या नींद से जा गया उठ गया फ्रॉम किस से हिज स्लीप अपनी नींद से वो जागा अपनी नींद से इट कॉट इट यहाँ पे कौन है शेर को कहा गया है इट कॉट कॉट अप इस कॉट अप का मतलब होता है पकड़ लेना कॉट अप मतलब पकड़ लेना यहां पर कॉट जो है कैच की फॉर्म है सेकेंड C A T C H, कैच की फॉर्म है कॉट तो कॉटअप का मतलब है यहाँ पकड़ लेना द माउस उस चूहे को जिसकी बात हो रही है angrily, angrily मतलब गुस्से से उसने क्या किया चूहे को गुस्से से पकड़ लिया किसने शेर ने एंड और ट्राइड और ट्राइड भी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ट्राई की ट्राई की सेकेंड फॉर्म टू क्रश क्रश का मतलब है कुचलना और ट्राइड का मतलब है कोशिश की कोशिश की इट टू डेथ उसको कुचल कर मारने की कोशिश की ट्राइड क्रश का मतलब कुचलना इट यानी किसको चूहे की यहां पर बात हो रही है टू डेथ मारने की एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इट कॉट अप द माउस एंग्रीली एंड ट्राइड टू क्रश इट टू डेथ चलिए आगे देखते हैं देन द माउस प्रेड द लायन टू लीव हिम ऑफ एंड अशोर दैट इट वुड हेल्प हिम व्हेन इट नीडेड यहां पे क्या बताया है कि देन तो देन का मतलब होता है तब उस समय या तो, तो जहां पर भी Uh, इस सेंटेंस में देन का जो मतलब बैठ रहा है वो बैठाएंगे तो देन यानी उस समय जब उस शेर ने उसको पकड़ा उस समय द माउस चूहे ने क्या किया प्रेड प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना द लायन किससे लायन से टू लीव हिम ऑफ टू लीव हिम ऑफ लीव का मतलब लीव और ऑफ का साथ में मतलब होगा फिक्स्ड है लीव ऑफ का मतलब होता है छोड़ दो या छोड़ देना लीव ऑफ का मतलब होता है छोड़ना या छोड़ दो इस तरह से हिम यानी उसको छोड़ दो उसको ये उसने क्या की प्रे pray की प्रेड यानी प्रार्थना करना प्रे की एंड और अश्योर्ड अश्योर्ड का क्या मतलब होता है सुनिश्चित करना या फिर आप कह सकते हैं विश्वास दिलाना तो उसने क्या विश्वास दिलाया दैट की इट वुड हेल्प वुड हेल्प का मतलब होता है सहायता करेगा साथ में मीनिंग है इसका सहायता करेगा कोई कंडीशन यानी शर्त रखी जाती है ना प्रेजेंट टाइम में कि मैं ये तुम्हारे आगे जाकर सहायता करूँगा हेल्प करूंगा तब तो वुड हेल्प का मतलब है सहायता करेगा हिम यानी उसकी किसकी शेर की लायन की वैन वैन का क्या मतलब होता है वैन का मतलब होता है जब यहां पर मतलब है जब और वैन का मतलब होता है कब भी होता है लेकिन यहां पर क्या मीनिंग है जब जब इट यानी उसको किसको शेर को नीडिड क्या होगी आवश्यकता होगी तब वो उसकी मदद करेगा ये उसने अश्योर्ड यानी कि विश्वास दिलाया या आश्वासन दिया द लाइन लाफ्ट एट इट लाइन जो है चूहे के ऊपर हंसा एंड लेट हिम ऑफ और उसने क्या किया लेट हिम ऑफ उसे छोड़ दिया हिम यानी उसे और लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना तो लेट और ऑफ का मीनिंग क्या है लेट ऑफ का मतलब है छोड़ देना वन डे एक दिन द लायन शेर वॉज था कॉट कॉट मतलब पकड़ा जाना या पकड़ा गया इन अ नेट किसके अंदर नेट के अंदर स्प्रेड स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना बाय यानी द्वारा अ हंटर एक हंटर यानी कि शिकारी के द्वारा एक नेट फैलाया गया था उसमें शेर पकड़ा गया फिर से पढ़ते हैं वन डे द लायन वॉज कॉट इन नेट स्प्रेड बाय अ हंटर इट रोड इट कौन है यहाँ पर शेर रोड का मतलब होता है दहाड़ा रोर सिर्फ ईडी नहीं लगा होता तो रोर होता उसका मतलब होता है दहाड़ना और रोड मतलब दहाड़ा एंड और ट्राइड टू एस्केप बट इन वेन उसने ट्राइड यानी कोशिश की क्या एस्केप का मतलब क्या होता है बचकर भाग जाना या बाहर निकालना और वेन का मतलब होता है वेन का मतलब बेकार या व्यर्थ मतलब उसने वहाँ से बचकर भाग निकलने की कोशिश की लेकिन सब बेकार रहा द माउस हर्ड द लायंस रोरिंग एंड केम देयर द माउस यानी उसी चूहे ने जिसको शेर ने बचाया था इसलिए द माउस हर्ड हर्ड मतलब सुना द लायंस उस लाइन की रोरिंग दहाड़ जो रहा था ना द माउस हर्ड द लाइंस रोरिंग उस माउस ने हर्ड मतलब सुना शेर के दहाड़ने की आवाज़ उसने सुनी एंड और केम आया देयर वहाँ इट्सटार्टेड स्टार्ट मतलब शुरू किया कटिंग काटना द नेट नेट को विद इट्स टीथ दांतों के द्वारा उसने नेट को कट करना शुरू किया द लायन एस्केप्ड लायन क्या हुआ बाहर निकला वहाँ से यानी बचकर निकल गया वहाँ से एस्केप मतलब बाहर निकलना एंड थैंक मतलब धन्यवाद दिया द माउस का धन्यवाद दिया और वो वहाँ से बाहर निकल गया रीड कर लेते हैं इसको द माउस हर्ड द लायंस रोरिंग एंड केम देयर इट स्टार्टेड कटिंग द नेट With its teeth, the lion escaped and thanked the mouse. माउस ये यहां पर स्टोरी कंप्लीट है मॉरल देख लेते हैं Everything has its own value. हर एक चीज का अपना महत्व होता हैज मतलब होना। ना एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज वैल्यू मतलब होता है मूल्य या महत्व है उम्मीद है यहाँ पर आपने काफी सारे अंग्रेजी के शब्द जो आपको नहीं पता है उनका मीनिंग भी जाना होगा और आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हुई होगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद